हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चिम तस्वीर। आप लोग का ढेर सारा स्वागत है और गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आप लोग सब अच्छे हैं? हम लोग भी सब मस्त हैं, व्यस्त हैं ठंडा में। और रात का टाइम ब्लॉग स्टार्ट कर रहे थे, फ्री होके बैठे थे, चलो तो कुछ बात कर लें। और बताए आप लोग को ठंडा कैसा बीत रहा? नहीं बीत, ठंडा तो थोड़ा सा रहना भी चाहिए, तो सब परेशान है। ठंडा ठंडा नहीं रहेगा तो कैसे होगा करे? गर्मी भी परेशानी, ठंडा परेशानी, बरसात है परेशानी, सब तरह परेशानी। तीसरा साल में बड़ा काम चलते रहता है, इसमें परेशान लोग कोई बात नहीं। ठंडा है तो ठंडा लगेगा ही, ये सारा काम खत्म, स्कूल है, घर है, बाहर है, सारा काम करना है। अरे बाबू लोग पढ़ाई कर रहे हैं, भी ड्यूटी चलेगी तो 20 ड्यूटी है, तो हम लोग भी खाना नहीं बनाना, भी टाइम है, थोड़ा सा बात कर लें। और तो बैठ के वही ना, सुबह दिन भर सोचते हैं ब्लॉग बनाए, लेकिन वही नहीं हो पाता। सुबह उठते हैं, नाश्ता खाना बंद, टाइम पार हो जाता है। अब फिर बाबू को लाने के टाइम से फिर खाना उना खा के लोग शाम को हल्ला कर रहे थे, घर में ब्लॉग बन नहीं पाता। उधर से हम भी नहा हुआ के थोड़ा खाना उना खा के धूप में चल जाते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। सब पे छत कोई भी रहता है तो बहुत सारे रेंट में हर दो तीन को रहता है, तो अच्छा नहीं लगता है ब्लॉग बनाने में। सबको भी सोच रहे हैं कि स्टार्ट करें। तो फिर शाम को थोड़ा चल गए थे मोड़ पर, कुछ काम था तो वहाँ से आए, तो मैं फ्री होकर बैठे थे। बाबू ले तुम लोग पढ़ाई करो, हम दस ब्लॉग बनाए, तो बोलते ठीक है मम्मी। और बाबू कब से जिद करा ठेकुआ बनाने के लिए, नहीं बनाए, तीज में भी नहीं बनाए, जितिया भी नहीं, सर बनाई नहीं ठेकुआ बहुत दिन से। तो हम लोग चलो ठीक है आटा को बना देंगे, तो आटा गूंद उंद के रखे हैं और गूंद उंद के छान भी रहे हैं। तो हम लोग चलिए जल्दी हो जाएगा तो फिर खाना बनाएंगे करेंगे। तो चलिए दिखाते हैं कैसे आटा का ठेकुआ बनाए हुए थे। एक मैदा तो आता नहीं घर में, रोज बाबू जिद कर रहा, तो हमें क्या ले जाएंगे क्या ले जाएंगे, कल सैटरडे है तो उनका हाफ डे स्कूल रहता है 10 बजे तक। तो हम लोग चलो आज कुछ भी बनाते हैं, तुम कल ले जाना, क्योंकि इसको हमेशा पास्ता उस्ता चाहिए ले जाने के, लेकिन अच्छा नहीं लगता पास्ता। बनाए थे कल, कल लोग लंच भी, लंच बॉक्स भी छूट गया था तो पहुँचा दिए। फिर बाबू का तो किसी से भेजा दिए, लेकिन और स्कूल बीटीआर आने के लंच जाके स्कूल में पहुँचाना पड़ा, कभी छोड़ के नहीं जाती, पता नहीं कैसे छोड़ के चल गए थे। तो उसे ठेकुआ बना रहे थे, चलिए किचन आप लोग को दिखाते हैं ठेकुआ मेरा कैसा बन रहा है। और आटा भी गूंद कर रख लिया है, दोनों काम साथ में करेंगे तो बाबू लोग पढ़ाई कर लेगा, तो रोटी सेक के रख देते हैं, खा करके सो जाएगा और सुबह लेट हो जाता है। और कितना मुश्किल से 7 बजे नींद खुला है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि बाबू के स्कूल में 7 बजे नींद खुला हो, जागे थे 5 बजे। तो ये बोले कि उठो नाश्ता बना दे, ठीक है बन जाएगा नाश्ता। ये लोग बच्चा लोग को रहता है एक आपको रोटी खाना है और कुछ कुछ ले जाना है लंच में, तो हम लोग ठीक है बनाए। उन्हें पता नहीं कौन सा नींद था कि आँख लग गया, तुरंत में नींद खुला है 7 बजे। तो चलिए बाबू को पोहा बना करके दिए हैं, तो स्कूल गया है दोनों, तो उसी लिए चलिए कुछ बना देंगे, बच्चा लोग कुछ खाए। सुबह ले जाएगा ठेकुआ तो दो दो को ले जाएगा, उसी मन थोड़ा सा मिक्सचर दे देंगे तो खा लेगा। और तो कुछ रहता नहीं घर में, अभी क्या रखेंगे दिन भर, अब नहीं तो बच्चा लोग कुछ 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 खा लेता है, ऐसे ही बाबू मिक्सचर तो खाता है नहीं, इसलिए हम रखते भी नहीं है। थोड़ा बहुत कभी इमरजेंसी में ला के रखते करते हैं, कोई गेस्ट आता है तो उसको देने उने के लिए। और घर में उतना खाने के नहीं रखते, ये लंच में ले जाते हैं, ये स्कूल ड्यूटी जाते हैं 20 तो ले जाते हैं, तो उनको शाम को मुढ़ी नाश्ता करना पड़ता है, तो ये अपना अलग से रखे रहते हैं एक टू पैकेट ले करके आधा के जी, वो अपने पास रखे रहते हैं, उसमें से किसी को नहीं लोगों खाने देते हैं, क्योंकि फिर वहाँ अच्छा नहीं लगता करता सबकी, सब ग्रुप बना के बोलते हैं 8-10 को बैठते हैं तो अच्छा नहीं लगता करता, सब अपना अपना बनाता करता है, बोलते हैं किराने का अच्छा नहीं लगता करता है। तो वही मिक्सचर मूढ़ी हुआ, टमाटर, धनिया पत्ता, सारा चीज़ मिला के 20 ड्यूटी नाश्ता घर में तो नहीं करते हैं कभी, घर में कुछ शाम के कप चाय पियेंगे और खाना पीने नहीं कुछ खाते हैं। तो चलिए ब्लॉगिंग बने रही, चलिए देखते हैं किचन में कैसे ठेकुआ बनाते हैं। तो देखिए ठेकुआ तल करके तैयार हो गया है और बन के धो दिए, चढ़ा दिए तो बन गया है, अच्छे से थोड़ा धीरे से अच्छा बनता करते हैं। मैं चले आज बना दें लोग को, तो ये धीरे धीरे बनते रहेगा, दोनों काम होकर जाएगा। तो देखिए इस तरह से बना रहे हैं, तो लोग को बैक कैमरा से दिखाते हैं, इसे नहीं देखता करता है, तब बैक के बस चले आप लोग को दिखाते हैं कि कैसे ठेकुआ बनाया है, कैसे डिजाइन बनाया है ठेकुआ में और क्या से इससे बनाया है, तो आपको देख लीजिए बैक कैमरा से, उसके बाद आप लोगों को पता चलेगा क्या जैसे डिजाइन बनाया है। अब
देखे ये ठेकुआ बने, सूप में था और देखिए इधर कढ़ाई में डाले हुए हैं और इधर से तल कर रखे हैं। बाबू एक दो टो खाया हुआ है, दोनों मिल के दो तीन टो खाया हुआ है, ज़्यादा नहीं बनाए क्योंकि रात को सेकने में टाइम लग जाता है। और देखिए फॉर्क लग चम्मच तो उसे डिजाइन बनाए, सांचा मिल ही नहीं रहा तो उसे बनाए हैं, और सब मेरा अलग डिजाइन बना दिए कि बोलते हैं कि ठेकुआ बिना डिजाइन का नहीं बनना चाहिए, इसीलिए बनाए हुए हैं। और कढ़ाई में देखिए धीरे धीरे तलाएंगे, तो इसको इधर बायां तरफ दे देंगे, इधर रोटी सेक देंगे तो बाबू लोग खा लेंगे। तब तक बुलाओ में बने रहिए आप लोग, बाबू तक रोटी वोटी खाना खिला करके, क्योंकि टाइम हो जाता है ना फिर लोग सोने लगता है। तब मिलते थोड़ा देर में कि बनाते बनाते कितना लेट हो गया है, इधर रोटी भी सारा बन करके तैयार हो गया है, बाबू लोग खा लिया है। आज रोटी दाल की रोटी बनी, दाल बचा था दोपहर का, तो उसी में नमक मीर धनिया हरी पत्ता प्याज और जमाई में सब डाल करके रोटी बना दिए, और सब्जी है सुबह की, और बाबू लोग चटनी साथ खा लेता है केचप के साथ, और तो ठेकुआ छना ही रहा अभी थोड़ा सा और बचा हुआ बनाने के लिए, लेकिन एक दोनों साथ में काम खत्म हो गया, तब सब खा पी लिया है, लास्ट रोटी बचा हुआ है बना के खाना खा के दुनिया में बहुत रात हो गया है क्या ही बोला। और घर ही मेरे यहाँ बंद हो गया, उसका बैटरी खराब हुआ, बैटरी खत्म हो गया है, तो इसलिए टाइम तो इतना ही मोबाइल में देखना पड़े कितना टाइम हुआ नहीं हुआ है। अब किसका किसी हुआ बच्चा रात को बताइए, पढ़ने लो बच्चा जगह है और उसको टीवी देखना है रात को, मेरे यहाँ खाना खा के लोग टीवी देखना है रात को, और सुबह में जाए स्कूल है बताइए लोग 7 बजे पापा आएंगे इसको 10:30 लोग 10:30 बजे खाना खाएगा सोएगा। चलिए बना लिया है और कल मिलते हैं नए वीडियो ब्लॉग से, ओके बाय, लव यू, टेक गुड नाइट।